नमस्कार, समर इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ प्रमोद सागर। मैं बता दूं कि इस समय जो धान की फसल तैयार किसान ने की थी, आज उसमें उस आज इस फसल जो इस समय देखिए किस तरीके से धान पहले पैदा होता है, किस तरीके से कितने दिन में पकता है, और इस धान का क्या नाम है, और इस धान ये जो खाया जाने वाला सबसे ज्यादा चावल है ये किसके लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है। और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि इस समय जो धान ये समय आप ये लेबर देखिए सब इस समय ये धान झाड़ रहे हैं। और मैं पूछूंगा, हाँ जी, आपका नाम क्या? आपका जी? मेरा नाम कृपाल सिंह है जी। आप बताइए कौन सा धान है जी? ये धान बसंती है। बसंती है, हाँ। कितने दिन में तैयार हुआ जी? ये था मतलब 3.5 महीने में तैयार हुआ है। 3.5 महीने में तैयार हुआ, हाँ। तो आप ये बताइए कि इसके लिए कोई कीटनाशक दवाई लगाई है, कोई देसी प्रयोग होगा? दवाई लगाई है साहब, इसमें पैदावार के लिए। पैदावार के लिए। चलो चलिए और बताइए, तो इस समय जो यहाँ पे ये झाड़ है, तो ये जो धान झाड़े ये लेबर झाड़े कैसे है ना? ये मतलब मजदूर है सब। अच्छा, तो ये पुराल, इसका पुराल, पुराल का क्या होगा इसका पुराल? ये पुराल भी ले जाएंगे और आप पैसे भी लेकर जाएंगे। अच्छा, पुराल भी लेके जाएंगे और पैसे भी लेके जाएंगे। हाँ जी। तो आम क्या, आम गुठलियों के दाम? हाँ जी। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए ये धान कितनी पैदावार देता है एक बीघे में? ये तो 2-2.5 का निकल लिया साहब, मैं निकल ही कहाँ रहा। अच्छा, जो अभी पीछे बारिश पड़ी थी, हाँ जी इधर को आइए, बारिश जो पीछे पड़ी थी बारिश से कुछ नुकसान तो नहीं हुआ फसल को? हाँ, नुकसान बाद में नुकसान है। इधर देखिए, हाँ जी, ये जो फसल अभी बारिश हुई थी पीछे, तो इससे धानों पर इस पर तो कोई असर नहीं पड़ा? मैं असर पड़ा था, मतलब आया था हमारे खेत में, मतलब गिरे था बहुत खेत, मतलब ढह गए, नुकसान है, खड़े हुए मतलब गिर गए, बाजी बाजी में मतलब गब्बे में ही थे। धान की बताइए क्या खासियत है खाने में, कहीं उसके बताइए ना? खाने में तो सही है, खैर अगर इसका पिलाव मैं यूज करना है तो 15.09 का होता पुलाव। 15.09, हाँ। और आपने कौन सा है? ये बसंती है, उसमें था हमारा 15.09 कल लगा था। इसका जो चाला, तो ये धान आप इसमें मंडी लेके जाएंगे या कहाँ? हाँ, मंडी लेके जाएंगे। कितनी दूर है मंडी? है सब ऐसे 50-55 किलोमीटर। 50-55? हाँ। अच्छा अच्छा, तो अगर भाव की बात करें तो कितना भाव चल रहा है इसमें धानों का? इसका 1900 ले रहे हैं साहब, यहाँ 2019 ले रहे हैं। अब आप देख रहे हैं, मैं इस समय बात करूंगा और इस समय देखिए आप, तो और इस समय आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो धान समय झाड़ने, देखिए धान की झड़ाई। हाँ जी, एक बात और बताइए, मिजाई इधर आइए, इधर आइए चाचा सर, ये धान ऐसे क्यों झाड़ते हैं, ये मशीन से ऐसे क्यों निकल पाते हैं, निकलते क्यों नहीं? मशीन से बहुत मद्दा ले रहे हैं साहब, 1600 को ले रहे हैं। 1600 की क्या मतलब? मशीन का कटा हुआ धान जो छिल जाता है। अच्छा, हाँ ये बताइए ना। हाँ, तो उसमें जो तो मतलब गांठा भी जाता है, इसलिए मतलब कम पकड़ है। अच्छा, उसकी कम पकड़ है। हाँ जी, तो इसलिए लेबरों से झड़वा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं धानों को, देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर कोई भी मशीन का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया जा रहा है, केवल देसी ही जिस तरीके से झाड़ रहे हैं। देखिए ये बच्ची है, हाँ जी, क्या नाम है बेटा तुम्हारा, कहाँ से आई हो? तो ये पशु के लिए चारा लेके जाओगी? देखिए इस समय जो धान है, कम से कम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लेबर की मैं बात करूँ तो कम से कम यहाँ पर 50 कितने लोग 50 से होंगे झाड़ने वाले यहाँ पर, ये धानों को? हाँ, चाचा कहाँ कहाँ के? ये साहब बाहर से मंगवाई लेबर हमने, हसनपुर की तरफ से। हसनपुर की तरफ से, हाँ। तो आप देख रहे हैं कि इस समय जो धान कि जो फसल इस समय जो किसान ने तैयार की थी, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार मशीन का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि मशीन की बता रहे कि धान जो मशीन द्वारा निकलते हैं वो धानों को रगड़ से उसकी निकल जाती है, धानों को छील देती है, इस वजह से मार्केट में उसकी कीमत कम हो जाती है, मार्केट में उसकी मांग कम हो जाती है, इसीलिए आप देख रहे हैं। हाँ जी, ये छोटे छोटे पूले जो बना रहे हैं, इससे क्या होता है, आप मार्केट वहाँ जाएंगे क्या मंडी लेके इसको? नहीं, बेचने के लिए सुखाएंगे। सुखाएंगे तो फिर इसको बेचेंगे आप? नहीं, ढोरों खवाएंगे। ढोरों को? और ये गीला खवा जाए तब? गीला इतना कहाँ तक खवाएंगे? अच्छा, तो मतलब सूखे में ज्यादा फायदा गीले में? इधर को देखो कैमरे की तरफ, सूखे में ज्यादा फायदा गीले में? सूखे में फायदा है मुहाजे के लिए। सूखे में फायदा? हाँ, इन्हें सूखे में फायदा था, मतलब जितना गीला खवाया जाए उतना खवा देंगे और बाकी सुखा लेंगे। मतलब पैसे के पैसे लेकर जाएंगे ये इन धानों को, हैं? पैसे भी लेकर जाएंगे और निहार यानी पशु के लिए हरा चारा भी यहाँ पर मौजूद है। और मैं बात करूंगा, हाँ जी, अगर आप ये पशु को इधर को देखिए, आप पशु को आप इसे चारा खवाएंगे तो कितना असर देगा ये पशु के लिए? इधर देखिए, खवाएंगे नहीं, अगर पशु इसे खाएगा
जैसे कहते दूध वाला ढोर अगर इसे खाएगा तो कितना फायदा देगा? ये दूध सही देगा। तो आप देख रहे हैं कि दूध में ये फायदेमंद है। और आप, मैं अभी और दिखाऊंगा आपको, बात कराऊंगा कि देखिए इस समय ये यहाँ पर दो दो जो टिपलर हैं, ये दो दो टिपलर जिससे यहाँ पर झाड़ा जा रहा है। हाँ जी, आप अपना नाम बताएंगे जी, कहाँ से आई आप? ये डगरौली से। डगरौली की, तो सब डगरौली की लेबर है? हाँ। तो ये आप ये बताइए एक मिनट, हाँ, ये पशुओं को अगर ये हरा चारा देता कितना फायदा देता है? बतेरा देवा, दूध बतेरा देवा। दूध देती है? हाँ। और तो तरोताजा दूध रहता है? हाँ। इसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं रहता? सूखे खमाने, गीले खमाने फिलहाल। अच्छा। हाँ। तो गीले ज्यादा फायदेमंद है, सूखे ज्यादा फायदेमंद है? सूखे भी हरे भी खवा में हम तो। अच्छा, खवा में। तो आप कहेंगे आप पैसे के पैसे भी ले रहे हैं और पशु के लिए चारा भी? ट्रैक्टर वाला लेता पैसे। अच्छा, ट्रैक्टर वाला ले रहे हैं? हाँ। ये तो सब चारे पे, चारे के लिए। हम तो न्यार ले जा रहे हैं। हाँ। अगर न्यार की बात करें तो पशु के लिए इस समय क्या न्यार किस रेट पे बिक रहा है पशु के लिए? 5,000 रुपए बाजरा। तो यहाँ पर देखिए डगरौली की बता रहे, तो सब डगरौली की लेबर है जैसा? सब डगरौली। यहाँ से कितनी दूर है डगरौली? हसनपुर के पास में डगरौली। तो यहाँ से तो हसनपुर भी कितनी दूर पड़ेगा? 6 किलोमीटर हसनपुर से डगरौली। तो आप देखिए डगरौली की लेबर सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर न्यार, शायद न्यार की शॉर्ट होगी। हाँ, न्यार की शॉर्ट है। न्यार की शॉर्ट है। हाँ। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि न्यार की शॉर्ट की वजह से ही बताइए इतनी दूर से लेबर यहाँ पर आई है, ताकि क्योंकि अगर मार्केट में अगर हमने बूझा कि न्यार और बाजरे की हम बात करें तो वो बाजरा कम से कम 5,000 पर दोनों ही काम हो रहे हैं अपनी फसल के लिए। अभी यहाँ पर किसान को भी फायदा कि उसकी जो फसल मशीन से ना कट के, मशीन से ना झट के, वो सीधा लेबर गाड़ी, और लेबर को भी ये फायदा है कि अपने पशुओं के लिए भी हरा चारा हो जाता है। और आप देख रहे हैं, और जो हमारे समर इंडिया चैनल के नए दर्शक जो जुड़े हैं, आप हमारे समर इंडिया चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।